अभी तक जीएनएम की बहाली नहीं आई है। अब सरकार लोन वापस मांग रही है तो हम लोग कहाँ से देंगे पैसा? जब तक सर्विस नहीं आएगा तो पैसा हम सरकार को देंगे कहाँ से? और यहाँ तक हर बार आश्वासन दिया जाता है कि बहाली आएगी आएगी, लेकिन नहीं आ रही है। पिछले सप्ताह भी हम लोग मिले थे, उसके पहले भी मिले थे आरजेडी के सरकार में, तेजस्वी जी थे, उनसे भी मुलाकात की थी, लेकिन बहाली कहीं नहीं दिया जा रहा है। हम लोग अब सोच रहे आचार संहिता लागू हो जाएगा तो हम लोग ना घर करेंगे ना घाट करेंगे, फिर अगला चुनाव तक फिर इंतजार करना पड़ेगा, फिर 5 साल, मतलब हम लोग का जीवन पूरा तरह से बर्बाद होते जा रहा है। नर्सिंग अब प्राइवेट में काम 5 सालों में एक भी वैकेंसी नहीं आई है क्या? जीएनएम एक ग्रेड नर्सिंग की एक भी बहाली नहीं आई है। इसके पहले 19 में परमानेंट बहाली आई थी, उसके पहले कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली आती थी जीएनएम की, जिसमें शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी लिया जाता था, 20,000 उसमें दिया जाता था कॉन्ट्रेक्चुअल। सम्राट जी से मुलाकात हुई, क्या कुछ बोले? सम्राट जी से मुलाकात हुई, मंत्री जी से मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत प्यार से आश्वासन दिया है कि बहाली आएगी। पिछले बार भी उन्होंने आश्वासन दिया था बहाली आएगी, इस बार भी दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि उस बार बहाली वो जरूर देंगे। सम्राट जी आश्वासन दिए, पिछली बार आश्वासन दिए थे, क्या लग रहा है? लग तो रहा है पूरी उम्मीद के साथ हम आए हैं कि हमको जो बोले हैं वो करके दिखाएंगे, अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर हम दोबारा आएंगे, और जब तक नहीं देंगे तब तक हम लोग आते रहेंगे, क्योंकि अब हम लोग का फ्यूचर बर्बाद हो गया, कुछ बचा नहीं हम लोग के पास। इतने दिन से हम लोग 18-21 में ही कम्प्लीट किया है ट्रेनिंग, अभी तक हम लोग को जॉब नहीं मिला है, अब कहाँ जाएंगे हम लोग? प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार में जीएनएम और एनएम की नई बहाली को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप के माध्यम से देखा, कई सारे जीएनएम के छात्र यहां पर पटना बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर कि सम्राट चौधरी जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मुलाकात किए हैं नई बहाली को लेकर के। और साथ ही में सम्राट चौधरी जी ने भी यहां पर अपडेट दे दिया है कि नई बहाली जल्द आने वाली है। अब जल्द कब होता है सरकार के लिए वो देखने वाली बात होने वाला है, क्योंकि लगातार सरकार है और जो सम्राट चौधरी जी हैं लगातार बताए हैं कि जल्द बहाली आएगी। एनएम के लिए भी मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं, लगातार एनएम की बहनें भी यहां पर नई बहाली को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी आशा फैसिलिटेटर्स के साथ यहां पर धरना प्रदर्शन दे रही हैं, जो यहां पर देख सकते हो। जैसा कि ये न्यूज़ यहां पर देख रहे हो, इसके सबसे निचले पैराग्राफ में आपको देखने को मिल जाएगा कि जो यहां पर एनएम के रिक्त पदों पर बहाली की मांग को लेकर के भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी कि लगातार यहां पर सभी स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं। वैकेंसी की वेट है दोस्तों। अब जैसे ही वैकेंसी को लेकर के कोई भी सूचना या फिर नियमावली क्लियर होता है या फिर वैकेंसी आती है, इस चैनल पर सबसे पहले आपको जानकारी दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर एक एक्सपेक्टेड डेट बता दीजिए जहां तक की वैकेंसी आने की उम्मीद है। तो देखिए, अभी के अनुसार तो नियमावली पहले क्लियर होना है जीएनएम का, उसके बाद की वैकेंसी आएगी, तो आपका कम से कम अगस्त तक वैकेंसी आने की उम्मीद है। इसके बाद एनएम की बात करें तो एनएम की भी वैकेंसी में आपको समय लगेगा, क्योंकि अभी प्रक्रियाधीन में है एक बहाली, और जैसे ही ये बहाली क्लियर होता है आपको तुरंत एक नई वैकेंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बहाली में एनएम में नियमावली भी क्लियर है, 2023 के आधार के नियमावली के अनुसार होगा, लेकिन एनएम का अभी परीक्षा के रिकॉर्डिंग में नहीं नियमावली आया है कि परीक्षा से किस प्रकार का सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से एग्जाम लिया जाएगा। तो जैसे ही क्लियर होता है या फिर वैकेंसी आती है, सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अभी के लिए अपडेट यही है कि लगातार स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं सम्राट चौधरी के पास, स्वास्थ्य मंत्री के पास, और स्वास्थ्य मंत्री भी एक अच्छे से आश्वासन दे रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, जल्द आएगी। लगातार कई बार स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर सरकार की भी प्रेशराइज होगी। साथ में सम्राट चौधरी जी भी बोले हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे सभी जगहों पर, तो स्वास्थ्य विभाग में भी आपको वैकेंसी अच्छे खासे पदों पर मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।